टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो है युद्ध छिड़ा हुआ है और करीब 18 दिन गुजर चुके हैं। हालात काफ़ी भयानक है। ऐसे में भारतीय छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अब हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुमरा की जो है एक छात्र थी नामिरा सलीम शेख, जिसकी उम्र 21 साल है, ये भी यूक्रेन में फंसी हुई थी, लेकिन अब वो अपने घर मुमरा आ चुकी है। और उनकी एक साथी स्टूडेंट थी जिनका नाम है निधि दुबे, ये सांता क्रूज की रहने वाली हैं, मगर वो भी बहरहाल जो है नामिरा सलीम शेख के साथ में मुमरा में अभी यहाँ पर हैं और यहाँ से फिर वो अपने घर सांता क्रूज के लिए रवाना होंगी। हम आपको दिखा दें कि नामिरा के जो है मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद हैं और जो जहांगीर हुसैन सुरती हैं उनकी नवासी हैं नामिरा। और हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि हमारी चैनल प्रहार टाइम्स पर जो है यूक्रेन से नामिरा को लाइव दिखाया गया था, उसके बाद से ही हलचलें तेज हो गई थी। हम बात करेंगे नामिरा से कि कैसे यूक्रेन से वो अब मुमरा पहुंची और क्या बताएंगी वहां के हालात के बारे में। नामिरा, प्रहार टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से इस समय यूक्रेन के हालात हैं, 18 दिन, आज 18वां दिन है, वहाँ जिस तरह से युद्ध चल रहा है, हालात बद से बदतर हो चुके हैं और आप लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, कैसे मुश्किलों का सामना किया और कैसे आज अपने घर मुमरा में आप यहाँ पर पहुँची? सबसे पहले जब वॉर हुआ था तो हमें पता नहीं चला था, सुबह 4 बजे हमें बताया गया था कि यहाँ पे कीव वगैरह में अटैक हुआ है। उसके बाद एक दो दिन बाद हालात बदलते गए और बिगड़ते गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे। सामान सारे ख़त्म हो गए थे, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी हमारी, और हम कीव के बच्चों को निकाला जा रहा था, खारकीव के बच्चों को निकाला जा रहा था, लेकिन सुई तक का बात पहुंची नहीं थी अभी तक। फिर उसके बाद हमने एक इंटरव्यू दिया था प्रहार टाइम्स को ऑफिस में, तो जैसे वो हाईलाइट हुआ उसके बाद सुमी के बच्चों पर तवज्जो जाने लगी और उसके बाद हमें दर्शाया गया कि सुमी में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फंसे हैं। तो उसके वजह से इंडियन एम्बेसी का अटेंशन हमारी की तरफ गुजरा और थोड़ा लेट हो गया, लेकिन 14 दिन में हम निकल गए वहाँ से। अच्छा, काफ़ी वहाँ पर जिस तरह से हमले हो रहे थे जहाँ आप लोग पढ़ाई करते थे, उसके बाजू में ही काफ़ी मिसाइलें आकर गिरी, कैसे आप लोगों ने अपने आप को वहाँ पर बचाया? हमें ज़्यादातर बोला गया था कि बाहर ना निकला जाए जब तक ज़रूरत ना पड़े, या फिर हमें बताया जाता था कि ये टाइम तक आप थोड़ा बाहर जा सकते हैं सामान वगैरह लेने, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी बंद कर दिया गया था कि बाहर नहीं जा सकते। और जैसे ही हम सुनते थे कि अलर्ट अलार्म आया है या सायरन की आवाज़ चल रही है, तो हमें सीधा बैग लेकर बोला गया था कि आप बंकर में उतर जाए, आपको कहीं रुकना नहीं, आपको बंकर में जाना है। कि बंकर में कितने दिन तक आप लोग ऐसे रहे? बंकर में हमें टाइम टू टाइम लिया जाए, जैसे सायरन बजता था हम चले जाते थे, फिर लौटते थे जब अलर्ट अलार्म बंद हो जाते थे टोटली, तो कभी एक दिन, कभी डेढ़ दिन, कभी आधा दिन, कभी 3 घंटा, कभी। सबसे ज़्यादा खतरा वाला वक्त कौन सा होता था ऐसा वहाँ? सबसे ज़्यादा रात का वक्त बहुत खतरा होता था, क्योंकि रात के वक्त ज़्यादातर उन लोग अटैक करते थे और कहीं भी अटैक होता था, हमारे सामने बिल्डिंग्स जाती थी, और कभी कितनी बार एरोप्लेन से वो लोग मिसाइल्स छोड़ते थे जिससे पूरी पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो गवर्नमेंट के साथ साथ काफ़ी सिविलियंस को भी चोट पहुंची है वहाँ पर। क्या कहेंगे आप भारत सरकार के लिए? जी, भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमें यहाँ पे ओपी गंगा, ऑपरेशन गंगा के अंडर ही लेके आया गया है। हम दो अकेले नहीं हैं, 750 बच्चे जिसमें इंडियंस और एक्स्ट्रा पाकिस्तानी बच्चे, बांग्लादेशी, चाइना, नाइजेरियंस, अफ्रीकन्स और यूक्रेनियन सिटीजन्स भी हैं जिनको बॉर्डर पार कराया गया था। तो इंडियन एम्बेसी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, एवरीवन, थैंक यू सो मच। निधि दुबे, आप क्या कहेंगे? हमें ऐसी जानकारी मिली कि आप पहले ही काफ़ी आ चुकी थी, लेकिन आप इनका साथ नहीं छोड़ी कि हम इनके साथ में ही जाएंगे मुमरा में। मेरी एक्चुअली इनसे काफ़ी पहले 15 दिन पहले ही छुट्टी हो गई थी, बस बात ये थी कि साथ आए हैं, साथ रह रहे हैं, तो फिर मतलब बस साथ में रहने में ही मतलब काफ़ी कन्वीनियंट था। तो बस क्या कहेंगे आप, जिस तरह जो माहौल वहाँ पर आप देख के आई हैं, क्या उससे आपको ऐसा लग रहा था कि क्या हम अपने मुल्क, अपने वतन यहाँ से ज़िंदा लौट पाएंगे? आप क्या वहाँ पर महसूस किए? डर तो बहुत था, पर उम्मीद थी कि आ जाएंगे वापस, कि हम अच्छे से रह पा रहे थे ना यहाँ हमारे घर वाले, तो बस यही हम एक दूसरे को उम्मीद दे रहे थे, आ जाएंगे एक दिन, आ जाएंगे। और बस फिर कितने लोगों की दुआ और कई लोगों की मेहनत वो लेकर आई हमें यहाँ तक।
काफ़ी भयानक मंजर था, मगर ज़िंदगी सही सलामत रही और ये दोनों लोग मुमरा वापस लौटे हैं। और हम बात करेंगे नामिरा के जो पिता हैं सलीम शेख, उनसे हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी मदद की हमारे बच्चों को वापस लाने में। प्रधानमंत्री मोदी जी और जो मिशन गंगा ऑपरेशन था वो कामयाब रहा, हमारे बच्चे सही सलामत घर तक पहुंच गए। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लस NDTV रवीश कुमार जी ने ये न्यूज़ को हाईलाइट की, वो हाईलाइट होने से गवर्नमेंट को ये नोटिस हुआ, उसके बारे में ये मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हुआ और जल्दी से जल्दी उन्होंने कोशिश करके हमारे बच्चों को वापस सही सलामत घर तक पहुँचा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ नामिरा के जो जिनके निवासी हैं, नाना हैं जहांगीर भाई, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जहांगीर भाई आप? मैं क्या कहूँ, बस इतना कहता हूँ कि फरा टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने पहले न्यूज़ चलाया, उसके साथ साथ हमारी फरज शेख मुस्लिम इंडियन मुस्लिम लीग की जो कार्यकर्ता है समाज सेवा फरज शेख, उन्होंने दिल्ली के अंदर रह के 3 दिन जाके अपने MPO के साथ में मिशन गंगा में लिस्ट में इन लोगों का नाम डाला, नाम डाल कर पूरा उन लोगों को जो भी मिशन तक पहुंचाना था, इंडियन गवर्नमेंट को जगाना था, उन्होंने काम किया। 3 दिनों दिल्ली में रह के फरज शेख जो है हमारी इंडियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता जो है समाज सेवा, उन्होंने ये काम किया। उसके साथ साथ NDTV का शुक्रिया अदा करूँगा मैं, रवीश कुमार का शुक्रिया अदा करूँगा, इन लोगों ने पूरा हाईलाइट किया, इन लोगों ने सबके बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ। भारत सरकार ने इनकी बातों पर सुनकर और इन लोगों को इंडिया पहुंचाया, इंडिया लेकर आया हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को हमारा साथ। फराज शेख, आपने भी लेटर डाला था इन लोगों के लिए, आपने भी काफ़ी मेहनत किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसे? अस्सलाम वालेकुम, मैं फराज शेख, जैसे कि सब जानते हैं दरअसल मेरा जहांगीर अंकल और मेरे फादर जो है वो बहुत अच्छे दोस्त है, और जब मुझे इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बेटा अपने घर के बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं करके, तो मैंने बोला नहीं अंकल मैं दिल्ली में हूँ, मैं इनके लिए बात करूँगी। और मैं पर्सनल लेवल पे, मेरे पास बशीर साहब का हमारे जो लोकसभा के सांसद है उनका हमारे पास लेटर, मैंने बाकायदा लेटर थ्रू उनसे बात किया और बच्चों का नाम दिया, बच्चों की लाइव लोकेशन दिया उन लोगों को, बच्चों का कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उनको बाकायदा मैंने बोला कि आप जो है वहाँ पर मुमरा के बच्चे मुझे उनकी जो है आप हेल्प कीजिए वहाँ पर। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो लोकसभा के सांसद है मिस्टर ET बशीर साहब, जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर भी है और ऑपरेशन गंगा के मेंबर्स भी है वहाँ पर, तो उन्होंने जो है एक छोटी सी कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र में एक मुस्लिम लीग के नाम पे जो काम कर रही है, उन्होंने उस चीज़ को वहाँ तक लेकर गया। अब मैं खुशी से बोल सकती हूँ कि सिर्फ मुमरा में ही नहीं, हम पूरे देश में भी कहीं पर भी मुसीबत आए तो मुस्लिम लीग उनकी मदद के लिए पहुँचेगी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी मुस्लिम लीग हमारे बच्चों के साथ, हमारे इंडियन लोगों के साथ खड़ी है। बहरहाल नामिरा और निधि दुबे यूक्रेन से वो अपने घर यहाँ इंडिया में पहुँच गई हैं और कई लोगों की मदद मिलने के बाद वो यहाँ पर पहुँची है, लेकिन जिस तरह से हालात जो बद से बदतर हैं वो काफ़ी भयानक तस्वीरें अब तक यूक्रेन से सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि भारत सरकार जो भारत के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं जो है उन्हें भारत लाने में कामयाबी हासिल हो रही है। कैमरामैन अनिल के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबई।